तो यहाँ मुझे लगता है कि इस केस में तो डरे हुए हम हैं हजारों बार फिर चुकी है सुबह उठ के दो सब जो है वो हमको फेस करने होते हैं कंट्रोवर्सी है और प्रोपागेंडा नहीं ही प्रोपागेंडा और नहीं ही कंट्रोवर्सी है हाय टीम बहत्तर हुए वेलकम टू दिल्ली मौसम कैसा लग रहा है दिल्ली का क्योंकि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर है तो so फाइंडिंग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल नहीं है गर्म है और गर्म ही है <laughs> और इस वक्त तो हर तरफ से गर्म है ओह oh, uh, तो आप लोगों का ट्रेलर आया बहत्तर हूरे का। एक ऐसा ट्रेलर जिसने बहुत लोगों को जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आई हैव दिस हैबिट मैं कोई भी ट्रेलर पढ़ती हूँ तो पहले अपनी पूरी जजमेंट बनाने से पहले मैं देखती हूँ लोगों के किस तरह के रिएक्शन आने शुरू हुए बट मोस्ट ऑफ द कॉमेंट्स वो इस चीज़ से फिल्ड थे कि uh, बहुत गूज बम्स आए ट्रेलर में बहुत ऐसा हार्ड हिटिंग ट्रेलर है लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मिक्सड रिस्पॉन्सेज भी मिले तो क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था इस तरह का रिस्पॉन्स देखो पहले तो आई लाइक टू वेरी ऑनेस्टली टेल यू दैट ट्रेलर की ऑनस्टली तारीफ कर रही हैं और इसके कंटेंट की तारीफ़ कर रही हैं पूरा क्रेडिट संजय को जाता है है संजय हैज़ वर्कड आउट ऑन दिस एंटायर स्क्रिप्ट पूरे कॉन्सेप्ट को लेके और किस तरीके से ट्रेलर को एडिट किया ट्रेलर को प्रेजेंट किया कि पूरे देश विदेश में हंगामा हो गया फिल्म uh, uh, जो डेढ़ दो घंटे में बनती है उसकी उसका इम्पैक्ट uh, का डबल इम्पैक्ट अगर ट्रेलर पर पड़ता है तो डायरेक्टर और uh, एडिटर की जो है वो पूरी टीम की बहुत काबिलियत होती है वो क्या फिल्म का पूरी फिल्म का सार आप दो मिनट में या ढाई मिनट में जब बताते हो तो दैट प्रूव सीरियसनेस ऑफ द डायरेक्टर जिसने इस 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 एक्सलेंस तरीके से उस ट्रेलर को बना के लोगों के सामने प्रेजेंट किया और लोगों को समझ में आ गया कि hmm. ये फिल्म क्या है ये फिल्म की कहानी क्या है फिल्म का इम्पैक्ट क्या है ऑडियंस क्या है तो इसीलिए उसका उसका असर भी हुआ इतनी सच्चाई इतनी कन्विक्शन इतनी ईमानदारी से आ, ये ट्रेलर बनाया है संजय ने कि आ, दिल से बनाया है ऐसे दिल को जाके लगी ये बात लोगों के दिलों को जाके बात लगी और लोग जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बहस कर रहे हैं हम आपके साथ आज बैठे हुए हैं सो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसेस एंड कल भी जब हमने जे में ये फिल्म बताई तो उसको जो इम्पैक्ट है जो रिएक्शन है हाउस हाउसफुल ऑडिटोरियम हर बच्चे ने बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ट्रेलर ने अगर ये इम्पैक्ट क्रिया किया है तो मुझे इस बात की उम्मीद है और मुझे लगता है कि फ़िल्म का इम्पैक्ट भी इससे फोर टाइम्स ज़्यादा होगा टेन टाइम्स ज़्यादा होगा और लोग इस फिल्म को रिएक्ट करेंगे ही करेंगे अच्छा एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा और मैं भी इसलिए आपसे आज पूछना चाहती हूँ कि बहत्तर होरे ही नाम क्यों क्या कोई और नाम भी था जो आप लोगों के जहन में था जिसको लेकर आपकी डिस्कशन हुई थी या सिर्फ बहत्तर हूरे स्टार्टिंग से था कि यही नाम रखना है फिल्म का देखिए हम बहुत क्लियर थे क्योंकि फिल्म जो है वो टेररिज्म के बारे में बात कर रही है और इसके साथ में जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं जिस तरीके से टेररिस्ट स्ट्राइक करते हैं और वो जिस तरीके का उनकी प्रिपरेशन होती है या जो उनकी मोटिवेशंस होती है तो उसके अंदर बहत्तर हूर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करती है वो जिस जन्नत के लिए शहीद होते हैं और वहाँ पर जो उनको ये कहा जाता है आ, कि आप जब शहीद हो जाओगे तो आपको जन्नत में बहत्तर हूरें मिलेंगी तो ये आ, उस आतंकवाद के ऊपर चोट करने के लिए और उस एक चीज़ को दिखाने के लिए ये एक्ट चीज़ थी सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया है इसका और किसी और रीज़न से कोई इस्तेमाल नहीं है फिल्म के अंदर और हम लोग बहुत क्लियर थे बिकॉज हम एक अलग नज़रिए से इस कहानी को कह रहे थे तो हम टीम सब लोग ऑन बोर्ड थे और ये टाइटल हमेशा से यही रखा गया था इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट और कुछ कभी सोचा ही नहीं था एंड फाइनली काफ़ी सारे लोग जो है टाइटल के ऊपर भी मिक्स क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि और मुझे भी लगता है कि फिल्म देखने के बाद में सबकी की गलत रबी दूर हो जाएगी बिकॉज आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे कि क्या है और जैसे आपने ट्रेलर के लिए बोला आइडिया यही था आप चाहते हैं कि डेढ़ मिनट दो मिनट के अंदर आप फिल्म का जस्ट जो है वो बता दें और एक्साइट करें लोगों को कि फिल्म किस बारे में एट द सेम टाइम वो फिल्म के अंदर से आया हुआ है तो वो फिल्म का एक झलक भी दिखा देता है ट्रेलर बहुत पसंद आया है उनको भी जो इसके खिलाफ हैं या वो जो कमेंट सेक्शन में नीचे आके लिख रहे हैं टाइटल के लिए या उसके लिए तो उनके रीज़न अलग हैं बट ट्रेलर को लेके वो लोग भी ये कह रहे हैं कि ट्रेलर अच्छा है है मगर उनका प्रॉब्लम किन्हीं और चीजों को लेके जी अच्छा एक और चीज को लेके डिबेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पर है वो ये है कोई कह रहा है कि ये टेररिज्म के ऊपर है तो कोई कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर है आप लोगों का क्या टेक है इस पर बिकॉज आपने फिल्म बनाई है आपको पता है कि फिल्म में एग्जैक्टली क्या दिखाया गया है देखिए इसके बहुत सारे काउंटर सवाल हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर जो बॉम्बिंग हुई हैं जो ज़्यादातर टैर स्ट्राइक्स हुई हैं फिदाइन अटैक्स हुए हैं उस सब के अंदर कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ था चाहे वो ताज पैलेस के अंदर अटैक हो या वो ट्रेन बॉम्बिंग हो मुंबई की ट्विन टार्स हो 2001 में अमेरिका के अंदर और पेरिस बॉम्बिंग हो लंदन ट्रेन ब्लास्ट हो सब में कहीं ना कहीं तार जो हैं वो जुड़ जाते हैं उन लोगों के साथ में जो इस्लामिक इस्लामिकर्गनाइजेशन या तंजीमों के साथ में जुड़े हुए हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी है तो अक्सर जो लैंग्वेज है जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से लोग ये मान रहे हैं आ, मगर टेररिज्म ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं मुझे और ज़्यादा ऑर्गनाइजेशन के इतने प्रोमिनेंट चीज़ें नहीं हैं जो जिसके ऊपर आप बात कर सकें बिकॉज मेजोरिटी ऑफ जो स्ट्राइक्स हैं वो इन इस्लामिक तंजीमों ने ही करवाई हैं तो इस वजह से ये उनके ऊपर आधारित है और कहीं ना कहीं इस टाइम बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली मुस्लिम्स पर अटैक किया जा रहा है अभी देखिए लेटेस्ट एग्जांपल ही हम लोग देख लेते हैं द केरला स्टोरी फिल्म आई थी जिसके बारे में सभी को पता है जैसे ही उस फिल्म का टीज़र आया था मैं ट्रेलर की बात नहीं करी जब टीज़र आया था तभी से वो में फंस चुकी थी और जब फिल्म रिलीज हुई मैं अपने एक मुस्लिम फ्रेंड के साथ फिल्म देखने गई इसलिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि वो अंदर डरा बैठा था और हम चार पाँच कोलिग्स गए थे साथ में उसने एक ही चीज़ होती कि मेरा नाम मत लियो यहाँ पर नाम मत लियो कुछ भी नाम ले लियो

और ऑलरेडी uh, कि उन वो लोग ये कह रहे थे कि आप हमारे नाम वापस ले लो तो डर किसको लग रहा है क्रू मेंबर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप हम नहीं चाहते कि हमारा फिल्म में नाम बिकॉज हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है तो ये भी एक पहलू है मगर क्या है हम लोग इन सब चीज़ों पर बिकॉज इंटेंशन एज अ टीम हमारी ये है कि हम फिल्म पर बात करें टेक्निकल पार्ट पर बात करें नरेटिव पर बात करें मगर अलग चीज़ों पर बात की जा रही है तो अब ये बात की जा रही है तो मैंने आपको ये बात बताई है कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको आप जिन जो सामने नजर भी नहीं आने वाले हैं फेस तो पवन जी होने वाले हैं सामने तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो दिख रहे हैं आ, या एज ए डायरेक्टर मैं सामने हूँ लेकिन वो लोग जो पीछे से काम कर रहे हैं क्रू मेंबर वो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं और उसमें सभी लोग हैं सबको डर है और किन लोगों से डर है ये भी सोचने की जरूरत है बाकी तो आपको पता ही है कि किस तरीके की थ्रेट्स हम लोग फेस कर रहे हैं या तो देखिए डर हम रहे हैं क्योंकि हम सामने हैं फिल्म के और जिस तरीके की धमकियां हमें मिल रही हैं थ्रेट्स आ रही हैं और डे वन से इस तरीके से चालू हुआ है तो यहाँ हम डर रहे हैं और फिर बात क्योंकि टेररिज्म की हो रही है टेररिज्म के साथ में कोई खड़ा नहीं होता है क्योंकि सभी ने सफ़र किया है जिनके कुछ क्लोज़ लोग इसमें रहे हैं या वो जिनको जानते हैं तो किसी भी सूरत में ज़रूरत है इस फिल्म को टेररिज्म के नज़रिए से देखने की इसको किसी और नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है आप इसको किसी रिलीजन के या इस्लामिक तरीके से प्लीज मत देखिए क्योंकि वो मकसद भी नहीं है हम फिल्म की बात कर रहे हैं वो टेररिज्म की बात कर रही है उसी पर फिल्म बनाएंगे हमारे आसपास की जो चीजें हो रही है उनको देख के हमने ये फिल्म बनाई है यही है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसी तरीके से इस फिल्म को देखिए इसमें बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश मत करिए लोगों की जान चली जाती है हम उसकी बात कर रहे हैं कि उनका क्या जो मरे वो और जो बम बांध के खुद भी मर रहे हैं वो क्या कोई उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा है दोनों ही किसी ना किसी तरीके से

और हम कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं कहने का मतलब यह है सर का कि उनको आदत पड़ चुकी है नहीं, <laughs> इस तरीके की नहीं मुझे लगता है कि भाई मैंने, मैंने जो स्क्रिप्ट देखी जो मुझे वन लाइन समझ में आई स्क्रिप्ट की जो हम कह रहे हैं हम यही कह रहे हैं ना कि किसी इनोसेंट को मार के कोई स्वर्ग कोई जन्नत नहीं मिलेगी और जितना मैंने इससे पहले मैं तो आई बिन ईश्वर की कृपा है मैं शूटिंग में बिजी रहा तभी मैं शुरू से ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि तो मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट थी आ, पर बीच बीच में जो मैंने डिस्कशन थी सुनी सब जो इस्लामिक uh, साइड से भी हैं वो भी आकर ये बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं ऐसा करवाते हैं लेकिन वो गलत है और एक और चीज़ आपको तो बता दूँ पहली बात तो जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो साथ में जब आमिर बशीर आते हैं उसे एजुकेटेड मुस्लिम फ्रॉम काश्मीर स्टीफन का पड़ा हुआ तो मुझे ये भी हो जाता है कि भाई इसने देख लिया सब ठीक है फिर हमारा जो पहला शो जो मैंने फिल्म देखी पहली बार पूरी कंप्लीट mm -hmm. वो मैंने इफ़ी में 2019 में जहाँ इस फिल्म को क्रिटिक्स uh, अवार्ड भी मिला शो के बाद यंगस्टर्स मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स एंड गर्ल्स विद हिजाब वाई आई एम सेट देयर रिलेटेड दे ऑल केम एंड सेट कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई इनफैक्ट वन बॉय सेड पर आ, गोवा में कि तीन तलाक पे भी कुछ बनाइए तो मैंने कहा भाई हम कोई ऐसा दे के लिस्ट थोड़ी घूम रहे हैं हमने एक फिल्म बनाई है और आपको पसंद आई हमें अच्छा लगा और वो रिस्पांस जब इस तरह का मिलता है यू you नो know, कि तो यू फील दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक एंड क्या गलत कह रहे हैं कि भाई इनोसेंट को मार के कुछ नहीं मिलना और मैं बार बार कहता हूं अगर जब कसाब भी आया जब वो खड़ा हो के वीटी में या ताज में या लियरपोल्ड में या लियोपोल्ड में जब वो अपना ट्रिगर दगा के ऐसा ऐसा चल रहा है तो वो ये थोड़ी देख रहा है कि ये कौन से वहां तो बी के हॉल में तो सब लोग बेचारे ट्रेन में बैठे हर धर्म का बैठा है हर जात का बैठा है वो तो सिर्फ दहशत फैला रहा है चाहे कोई भी हो संजय विवेक अग्निहोत्री विपुल शाह सुदीप्त सेन उस नरेटिव को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि आज हम आपको बताते हैं ये भी एक पहलू है इस देश का एक सोसाइटी का जिसे बोलने की इजाजत पहले नहीं थी अब वो सामने आ रहे हैं जो तो जो सामने जिन्होंने अपनी बहुत ही समझ के रखी थी वो इनसेक्योर्ड हो रहे हैं एंड दैट्स स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द इंडस्ट्री इन द दोसाइटी ये जो है ये ये लीनिंग के लोग हैं लेफ्ट लोन के ये बहुत ही अच्छे किस्म की चीज है और इसका हम पर मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ता है और ऑडियंस को भी असर नहीं पड़ेगा ऑडियंस को जो दिल की चीज लगेगी वो जाके देखेगी अप्रोड करेगी नहीं लगेगी नहीं देखेगी सिंपल सभी तरीके की फिल्म करने की जरूरत होती है सबके लिए स्कोप होता है मतलब ये बात क्यों नहीं की जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बना सकते ये कोई मैंडेट्स है कि आपने एक फॉरबिडन सब्जेक्ट को टच कर लिया या कहीं लिखा हुआ है कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर सकता जो टेररिज्म अगर भारत में टेररिज्म की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी सबसे ज्यादा तो सफर हमने किया है तो इसको आप सिर्फ इसलिए कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है आप इसको किसी और चीज़ से जोड़ रहे हैं और उसे जोड़ के आप इसका जो पर्पस है उसको डिफ़ीट करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए आइडिया कहीं पर ये भी है कि इस पर बात हो मुझे लगता है कि फिल्म से पहले ही बात तो शुरू हो गई है अब वो किसी जी वो किसी भी फिल्म के लिए सबसे पहली वो चीज़ ज़रूरी है कि लोग अगर उसके बारे में बात करते हैं उस सब्जेक्ट को देख के और फिर फिल्म को देख के उसका जो भी साथ में अपने लेके जाते हैं वही इम्पैक्ट चाहिए होता है सभी लोग फिल्म को पसंद करेंगे ये कहना मुश्किल है लेकिन जो चीज़ है उसके अंदर जो बात हम कहना चाहते हैं अगर वो कहीं पर उन लोगों तक पहुंच पाती है जहाँ तक हम पहुंचाना चाहते हैं तो ये कोशिश मुझे लगता है कि सही दिशा में जा रही है और इसके बाद में ये सिलसिला रुकेगा नहीं और भी लोग काम करेंगे और भी चीज़ों के ऊपर आएंगी और वो किसी

और एक ऐसा फियर साइकोसिस क्रिएट किया हुआ है जिसमें ये जो एक वर्ग विशेष है आप जो बात कर रहे थे कि इस्लाम से आपने इसे कनेक्ट किया है बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं हमने कनेक्ट नहीं किया है ये दुनिया में हो रहा है आप अगर फहरिस्त उठा के देखेंगे कि कितने टैरर अटैक हुए अगर पिछले एक साल में पिछले दस साल में पिछले बीस साल में कहीं से भी शुरू कीजिए अगर सौ इंसिडेंट आप निकालेंगे तो उसमें से नाइन्टी नाइन वो हैं जैसे कि संजय जी ने भी जिक्र किया जो मुस्लिम इस्लाम धर्म से नाम पे जो बनाई हुई तंजीमें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहीं उनकी ट्रेनिंग होती है वही लोग आते हैं उसी बैकग्राउंड से आते हैं तो हमने कोई इस्लाम धर्म पे या मुसलमान समाज पे कोई आरोप नहीं लगाया है हम ये कह रहे हैं हम जिस आतंकवादी की बात कर रहे हैं वो इस बैकग्राउंड से आ रहा है अब वो आतंकवादी अगर उस बैकग्राउंड से आ रहा है तो डेफिनेटली वो वही भाषा बोलेगा उसकी आइडियोलॉजी वही होगी उसको जो रेडिकलाइज किया गया वो उन्हीं बातों के थ्रू किया गया है जो कि वहाँ पे चर्चा होती है अब बेहतर हो रहे बेहतर हो रहे जो शब्द है या बेहतर हो रहे जो थॉट है या जो रिवॉर्ड है जो दिया गया बेसिकली कहीं से शुरू हुआ होगा हो हो कि जो अच्छा काम करता है वो जन्नत जाएगा और उसको यही सब कुछ मिलेगा लेकिन उसको कब और कैसे कन्वर्ट किया इन लोगों ने जो आ, टेरर के जो पोध लगाते हैं जो बीज बोते हैं वो फसल को काटते हैं वो उन लोगों ने कैसे रेडिकलाइज किया और कैसे उसको बदलाव लाए कि भाई आप जाइए काफिर को मारिए जन्नत गारंटेड है आपको अब वो कैसे सर्टिफाई करते कि जन्नत गारंटेड है लेकिन लोग बिलीव कर रहे हैं उनको और वो जा रहे हैं जा करके वो लोगों को मार रहे हैं और जन्नत में जाने का सपना और हूरों को पाने का सपना देख रहे हैं ये सब लोगों की जानकारी में है अब जो वो जानकारी में एक ऐसा विषय उठाया गया उस पर बात की गई हूरों की बात होगी वो लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं तो उनकी भाषा भी वैसी होगी उनका पहनावा भी ऐसे ही होगा तो जब उस सबको दिखाना जाना तो आवश्यक है आप वो जो एक टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आ, ने किसी न किसी ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है वो पंडित की भाषा तो नहीं बोलेगा तो उसके ऊपर आरोप लगाना और ये कहना कि ये फिल्म कंट्रोवर्सियल है ये फिल्म प्रोपेगेंडा है ये कतई ही समझ में नहीं आता कंट्रोवर्सी कहीं नहीं है प्रोपेगेंडा कुछ भी नहीं है लेकिन ये दो शब्द जो हैं वो सुन सुन के मेरे को लगता है कि वो एक मनकों की एक माला होती है वो कोई हजारों बार फिर चुकी है सुबह उठ के दो सब जो है वो हमको फेस करने होते हैं और प्रोपरगेंडा है ना ये प्रॉपरगेंडा है और ना ही कंट्रोवर्सी है एफ so, सी ने ट्रेलर को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया था और एक दो जगह आपने भी इंटरव्यूज में बोला है कि कुछ घंटे पहले ही चेंजेस आए थे तो इसलिए भी नहीं किए गए थे ये पहली बार मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि जिस फिल्म को एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है जिसके सपने हर डायरेक्टर देखता है हर टेक्नीशियन देखता है हर प्रोड्यूसर देखता है बहुत बतरे अवार्ड्स है इस देश में लेकिन जिस दिन उसको नेशनल अवार्ड मिलता है वो अंडर हो जाता है कि ये डायरेक्टर सीरियस डायरेक्टर है और ये डायरेक्टर हिंदुस्तान की शान है बाकायदा ही स्टार्ट स्टार्ट फीलिंग दैट बिकॉज नेशनल अवार्ड बहुत बड़ी चीज है फिल्म मेकर के लिए या किसी भी टेक्नीशियन के लिए और किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए आपने एक तरफ से तो कहा कमाल कर दिया आपने संजय जी गुलाब जी मतलब क्या फिल्म है क्या डायरेक्शन है सब कुछ है और वही लोग वही डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट वही मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो ट्रेलर को वापस करते हैं और कहते हैं कि ये फलाना शॉट्स निकालिए आपने ट्रेलर देखा तो उसमें ट्रेलर में एक फोलॉन में एक पैर का शॉट है राइट जो ब्लास्ट के शॉर्ट सीन है फाइनेस्ट सीक्वेंस शॉर्ट इन द फिल्म तो उसको आप निकाल दीजिए फिर आप जो है कुरान का एक वर्ड है उसको निकाल दीजिए तो हम लोग खुश पहले तो हम लोग एक एक घंटा बैठ के हम अपने आप से मंथन करने लगे एक क्या है कुछ समझ भी नहीं आया क्या लिखा हुआ हमें लगा शायद हम अंग्रेजी भूल गए कि ये लिखा जो है फ्रेंच तो नहीं है या हम गलत समझ रहे हैं फिर हमने दस पंद्रह लोगों से पढ़वाया उन्होंने बोला कि ये 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 कह रहे हैं कि आप ट्रेनर को चेंज करो शॉर्ट चेंज करो फिर हमने रिएक्ट किया हमने कहा कि इट्स इट्स ह्यूमिलिटिंग यू आर ह्यूमिलिटिंग द प्रोडक्शन हाउस द डायरेक्टर ऑन वन साइड आप एक अवार्ड देते हो दूसरे साइड से आप इंसल्ट करते हो उस मेकर की या तो वो नेशनल अवॉर्ड गलत था या ये गलत है दो में से एक चीज़ हो सकती है ना और हमारे पास वक्त भी नहीं था तो हमने थिएटर बुक किया था बहुत बड़े लेवल पे ट्रेलर हम लॉन्च करने वाले थे तो फाइनली वो ट्रेलर लॉन्च हमने एक बैंकट हॉल में शिफ्ट कर लिया बात ट्रेलर कहाँ लॉन्च हुआ वो नहीं है बात एक एसेंस की है बात एक रिस्पेक्टेबिलिटी की है बात एक डिग्निटी की है उस मेकर के प्रति अगर ये महकमे सी बी एफ सी जैसे महकमे मैं खुद भी बोर्ड पर था सी सी में अगर आप मेकर की इज्जत नहीं करोगे आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे एंड देन उस सी बी एफ सी का चेयरमैन जो प्रसून जोशी है वो वो इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री के हमारे दोस्त हैं हमारे मित्र हैं आपने होने कैसे दिया सो so ये जिन लोगों ने ये किया हुआ है उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए उनके दे आर आंसरेबल एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए हमने अनुराग ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट किया है थ्रू मीडिया कि आप ये ये अगर ऐसा मजाक चलता रहे तो मतलब ये होगा ना कि सिस्टम वो ये और आप जो है आ, आ, चला कोई और रहा है उसको यू you नो know, अरे आपने कहा कि ये शॉर्ट्स निकालो नहीं निकालोगे तो हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो रिजेक्शन ही हुआ ना आप कहा ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ये कौन सी मतलब समझ हमको अब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है सो देर इज प्रॉब्लम इन 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 द बी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको या तो समझ नहीं है या तो वो बहुत चीज़ों को ईजी ले रहे हैं और कैरलेसली ले रहे हैं एक बात बताती हूँ अभी रिसेंटली आदि पुरुष रिलीज हुई दो आई नो की आदि पुरुष और इसकी स्टोरी में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है आई अग्री बट आदि रिलीज हुई फिल्म को लेकर बहुत सवाल उठे हर जगह हंगामे हम सबको पता है ये बात उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सी बी एफ सी से भी सवाल किए कि आप कैसे ऐसी फिल्म को पास कर सकते थे तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उसकी वो जो वहां से जो स्ट्रिक्ट उस फिल्म को लेकर आई है तो उसका इम्पैक्ट आपकी फिल्म पर पड़ा आपको कहना क्या होता है हां मैं वही पूछना चाहता हूं अब इसका जवाब तो प्रजुन जोशी देगा या और रविंद्र भाकर जी देंगे वो तो हाँ, उनके मन में क्या चल रहा है मतलब मां-बाप का झगड़ा आपस में हो रहा है बच्चे को थप्पड़ मार दे नींदा नींदा बेस्ट लाइन ऑफ द शो ए एक्टर है जरा खिंच जाता है और ऑलको सुनिए इधर मार दो अच्छा ये

चीज़ें जो है देखिए समझने में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जो उनके जहन में चल रहा होता है उसी को ले लेते हैं वो कभी इस चीज़ पर जाते नहीं कभी भी ये नहीं कहा गया है कि ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, स्टोरी है ऐसा नहीं कहा गया है इट्स इंस्पायर्ड फ्राम ट्रू इवेंट्स इवेंट्स बहुत हुए हैं टेररिज्म पूरे देश में चलता रहा है बहुत सारी घटनाएं हैं उन सब के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी कुछ लोग थे जो मोटिवेटेड थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इनोसेंट लोगों को मारा ये सब कॉमन फैक्टर है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता उन लोगों के ताल्लुक एक सर्टेन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में थे जो उनको एक सर्टेन वे में हैंडल करते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं अपनी जान देने के लिए और उसके बदले में वो उनको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस क्या होते हैं वो भी हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है कि उसको समझने के लिए फिल्म ही देखनी पड़ेगी सबको पता है बहदतरहूर हैं जन्नत है लेकिन आज लोग इसके बारे में बात करने से ये बोल रहे हैं कि आप बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में ये तो ऐसी चीज है कि उसके बारे में बात मत करो पता रखो लेकिन अब बात मत करो प्रॉब्लम यहां स्टार्ट हुई है कि आप बात मत करो सी मैं आपको अगर ऑनेस्टली एक बात बोलू वो भी जानते हैं जो इस फिल्म के बारे में गलत बोल रहे हैं विरोध कर रहे हैं या जो मुझे धमकियां दे रहे हैं या सर को धमकी दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि बात तो मैं सही कह रहा हूं पर प्रॉब्लम यह है ये हिंदू क्यों कह रहा है सारी प्रॉब्लम यह है कि ये तो ये क्यों बोल रहा है ये एक्स वाई जेड क्यों बोल रहेगा ये अगर तो ये नहीं थी। बहकाया जा रहा है, जा, जा रहा है। तो किसी ना किसी को तो बात करनी थी मगर ये क्यों कर रहा है तो सारी प्रॉब्लम जो अब तक मेरे को समझ में आई है वो इस चीज को लेकर है मुझे ये समझ में आ रही है कि बात क्यों कर हम बताएंगे जैसे मैंने उस दिन बोला भाई आगे से आप मुझे स्क्रिप्ट फोन नंबर दे दीजिए तो मैं आपको दिया करूंगा कि ये करूं नहीं करूं नहीं। और सलीम नंगड़ा हमने जब की सलीम नंगड़े पे मतरो ब्लैक फ्राइडे या रोड टू तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी बात क्यों नहीं कह सकते और सुपर सेंसर होगा क्या इसके ऊपर आप नहीं और मैं ये कह रहा हूं पहले फिल्म तो देख लो

आपने एक इंपॉर्टेंट हिस्सा उसमें से निकाल दिया आप दो डिब्बे लेके कुर्ता पजामा पहन के पूरी दुनिया घूमे यू नो तो पर आप वो एजेंडे से चल रहे थे हम तो एक बात कह रहे हैं भाई ब्लैक फ्राइडे में एक इंसिडेंट हुआ उसके बोला गया लोगों को ना मारो यही तो बात बोल रहे हैं इसमें क्यों दिक्कत है किसी को और वो किसी भी रिलीजन से आएगा अगर आप बाहर निकल के ब्लास्ट करोगे बंदूकें चलाओगे तलवारें चलाओगे कि कोई भी हो कहीं से भी आता हो किसी सोच से आता हो उसको I, I, I can't support that. मतलब मेरी जो सो, सोच कहती है मुझे लगता है भाई अमन से रहो ना सबको जीने का हक है सबको किसको, किसको क्या कैसे जीना आप जिए, लेकिन दूसरे के पाँव पर क्यों आप मैं, मैं इनकी इज्जत करूं आप मेरी इज्जत कीजिए और मुझे जो लगता है कि अगर स्वर्ग मिलेगा भाई आपको स्वर्ग तभी मिलेगा आप अच्छा काम कीजिए आप जक़ात कीजिए आप ईश्वर प्रार्थना कीजिए हम तो हर जगह सजदा ईश्वर अल्लाह सब जगह सजदा कोई बताने वाला है उसके सामने सजदा करते हैं तो अच्छे काम कीजिए ना।, ना आप अच्छी सोच रखिए इस इसमें भी प्राण है आप में भी प्राण है उसका किसी और तरीके से सोच रहा है आप किसी और पहुंच तो वही रास्ता यही है आप ये पगडंडी ले रहे हैं मिलना वही है सबने वही मिलना चलिए जिस तरह से आप लोगों ने जवाब दिए एंड बहुत सारे जैसे मैंने बोला कि बहुत से ऐसे सवाल भी थे जो मैंने देखे लोगों ने पूछे और मैं चाहती थी कि आप लोग उसको एड्रेस करें एंड आई एम आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आपने वो किए भी और बहुत साफ तरह से अपनी बात को सामने रखा एंड आई रियली होप वी आर ऑल लुकिंग फॉर्वर्ड टू द फिल्म नाउ वी होप कि फिल्म को देखने के बाद लोगों को जो जितने सारे सवाल मन में आ रहे हैं उन सबके उनको जवाब मिल जाए और जो मैसेज आप एक्चुअली में फिल्म से देना चाह रहे हैं और शुरुआत से उसी बात पर अड़े हैं कि ये हमारा मैसेज है वो मैसेज लोगों को समझ आ पाए रियली होप दैट एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड वी होप कि दिस वर्क इन योर फेवर एंड लोगों पर इम्पैक्ट पड़े फिल्म का थैंक यू थैंक यू